First of all, Jai Shri Krishna to all of you. Today, we are presenting Ms. Nirali Shah. She is one of the image consultants in India, and she operates his business from Mumbai. Okay, she is one of the international image consultants also. Now, let's celebrate her journey and let's know the struggles she faces to become that one. Okay, and today is our new episode or new section of ADJ News, which calls Bate. मैंने इस प्रोग्राम को सिर्फ इसलिए बनाया है कि इस प्रोग्राम में हम लोगों को इनवाइट करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, वो अपनी जर्नीज शेयर करेंगे और उससे एक जो एंटरप्रेन्योर्स नए आ रहे हैं वो सीख सकें कि आगे उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, क्या गलती वो ना करें, क्योंकि अगर हम गलतियां करके सीखना शुरू करेंगे तो जीवन बहुत छोटा है। तो चलिए निराली जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और आप हमारे मंच पे हैं आज। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द एडीजी न्यूज बोर्ड। सो आदित्य जी, आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक अगेन इन 2019। जब मेरा खुद का कंपनी था, एक पैकेजिंग कंपनी था, प्रेजेंट परफेक्ट स्टूडियो, और ये कंपनी एक पैकेजिंग कंपनी थी जहां मैं पैकेजिंग कर रही थी बहुत सारे कंपनीज के लिए, वो लोग का पैकेजिंग मटेरियल के लिए, रैपिंग पेपर्स, गिफ्ट टैग्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा, और वहां से मंजिल शुरू हुई मेरी। और उसके बाद मैं एंटीला के लिए काम कर रही थी, मिस्टर नीता अंबानी के लिए, मिस अंबानी के लिए, और वहां से मुझे इतने सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिले कि हर कॉर्पोरेट, हर सीईओ, हर फाउंडर ने मुझे बोला कि मिलने के बाद कि निराली, आपकी जिंदगी और कुछ है, पैकेजिंग आपकी लाइफ नहीं है, यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स, सो प्लीज ओपन योर विंग्स एंड फ्लाई एंड क्रिएट द ब्रांड इंडिया। वो एक सीड मेरे अंदर डाला था, और तब मैंने पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में 15 दिन ब्रेक ली थी। मैंने मेडिटेशन कैंप में चली गई थी 15 डेज के लिए, जहां मैं इनर एनर्जी और इनर इंजीनियरिंग जो सदगुरु जी सिखा रहे हैं वो मैंने अडॉप्ट किया, और मेरा व्हाई, मेरा लाइफ का पर्पस की मैंने एक जानकारी निकाली। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई बिहाइंड योर लाइफ, कि आपको जिंदगी में क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने बेस मेरा बना दिया, और तब मैंने सोचा, मेरे मेडिटेशन में एक थॉट आया था कि निराली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट इंडिया। इंडिया इज द ओनली कंट्री विद यंग टैलेंट टुडे। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जितनी यंग लोग हैं, जितना यंग टैलेंट है, वो कोई भी और कंट्री में नहीं है। और उसको ट्रेनिंग देना, उनको एक स्किल अप करना, अपस्किल करना, वो तुम्हारे खून की कर्तव्य है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा किस पे ज्यादा सीखूं और आगे बढ़ूं। और तब मैंने एक इमेज का कोर्स किया, बिकॉज फॉर मी टू ट्रेन अदर्स, मेरी खुद की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहले मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अटायर बराबर है कि नहीं, मेरा नेचर कैसा है, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। तो मैंने ये इमेज मैनेजमेंट कोर्स किया ISIM इंस्टीट्यूट में से, और वहाँ मेरी मेंटर मिस सोनिया दुबे थी, और मिस सोनिया दुबे ने मुझे बताया कि निराली, आप इमेज के बाद कुछ और करना चाहती हैं। हम लोग का जो 1-to-1 सेशन था, तो मैंने बताया ऑफ कोर्स वी वुड क्रिएट, आई वुड लाइक टू क्रिएट ब्रांड इंडिया। तो वो थॉट के साथ हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया, और एक वर्ड एटिकेट तभी ज्यादा फेमस नहीं था और अभी बहुत फेमस है। तो वो एटिकेट वर्ड के मैं चली गई ब्रिटेन, यूके और यूनाइटेड किंगडम में। मैंने द ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट यूनाइटेड किंगडम के साथ मेरा मास्टर्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, और फिर मैं इंडिया चली। और जब मैं इंडिया आई, उसके एक महीने बाद मिस्टर फिलिप साइक्स, जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे बोला, निराली, यू टेक ओवर द ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट इंडिया। तो उन्होंने मुझे पूरी कंसल्टेंट फर्म दे दी इंडिया को अपस्केल करने के लिए। तो यहाँ मेरी जर्नी शुरुआत हुई अगस्त 2019 में, एंड इट वाज द टाइम वाज अबाउट द पैंडेमिक, एंड पैंडेमिक में भी आई थिंक आई वाज द ओनली वन हु वाज वर्किंग फ्रॉम होम, और आई हैड बैक टू बैक मीटिंग्स, आई हैड बैक टू बैक शेड्यूल, आई वाज वर्किंग फॉर मोर देन 18 आवर्स अ डे इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो यहाँ एक चीज मुझे शेयर करनी है कि इट इज नॉट अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। लाइफ में प्रॉब्लम सब जगह आने वाली है, आप वो प्रॉब्लम को कौन से रूप से देखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रॉब्लम और पैंडेमिक को मेरे मगज में नहीं लिया,
मैंने वो क्रिकेट स्कोर की तरफ कोरोना के केसेस को अप एंड डाउन नहीं ट्रैक किया, लेकिन मेरा फोकस था कि मुझे एक ब्रांड इंडिया बनानी है, तो मैं मेरा वेबसाइट मैंने बनाना चालू किया पैंडेमिक में, और मैंने मेरा बुक लिखना शुरू किया. टुडे आई हैव रिटन द बुक इंडियन एटिकेट, अ ग्लिम्स इनटू इंडियाज कल्चर, जो इंडिया की ओनली कल्चरल बुक है, एटिकेट बुक है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू शेयर कि 37% आज के बजट में कल्चर ऑफ इंडिया को दिया गया है टू इम्प्रूव द विकास ऑफ इंडिया एंड द विक्रांत ऑफ इंडिया. तो स्किल डेवलपमेंट और कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में ये बुक है, और इंडिया के बारे में बुक है, ऑफकोर्स टूरिस्ट बुक है एंड द कल्चर ऑफ इंडिया है. और आई अर्ज एवरी इंडियन टू रीड द बुक टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ द मदरलैंड इंडिया, और जो इंडिया ने सिखाया है और जो इंडिया में देखने लायक है वो बुक के पेजेस के अंदर से आपको जानकारी मिल जाएंगी. सो दैट इज द वे माई जर्नी स्टार्टेड इन द कोरोना वायरस लॉकडाउन पैंडेमिक. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू ऑफकोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बहुत सारी कंपनीज ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, डिवेलपमेंट देना है. And I must say that 2020 for me has been a good year of work commitments, of getting on board with a lot of companies like Della Venture Resorts, Taj Group of Hotels, to name few, Johnson & Johnson, Feminine Infant Hygiene Care, and a lot more companies. So I have been training and developing their employees, their customer service, their customer experience, and our company image building and etiquette mapping, which is my company, believes in creating an impact through training and development. And as of today, I'm launching my ultimate personal branding course for the people of India to understand ke ek image, ek personal brand banane ke liye, it is very important to succeed. Aur personal brand banane ke liye kya kya tools chahiye, kya kya karna hai, aur kaise stage wise, step wise, apni ek niche personal brand ko create karni hai. वो मैं सिखा रही हूँ मेरे कोर्स में. और ये कोर्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड कि पीपल आज, कस्टमर्स आज, अपने क्लाइंट्स आज प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बाय करते हैं, वो लोग एक आदमी को बाय करते हैं. जैसे इलॉन मस्क, अपना टेस्ला नहीं बिकता है, इलॉन मस्क बिकते हैं. तो यही मैं एक यू नो इम्पोर्टेंट कोर्स लॉन्च करी हूँ इंडिया में कि मैं ये कोर्स के दरियान एक ब्रांड इंडिया डेफिनेटली क्रिएट कर पाऊँ. That's really great, ma'am. But यहाँ पे अभी आपने मैंने आपको as a image consultant introduction किया, and now we all know that you are a author also, and that's really great कि आपकी book का link मैंने भी देखा है. That's really good. And ma'am, मैं ये भी जानना चाहूँगा वो book available किन-किन platforms पे है currently, अगर कोई पढ़ना चाहे, जानना चाहे, तो कैसे वो उसपे अवेल हो सकता है, please. तो Amazon पे अवेलेबल है, Notion Press हम लोग के पब्लिशिंग हाउस के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, Flipkart पे अवेलेबल है, एंड Amazon वर्ल्ड वाइड पे अवेलेबल है. इट्स अ ग्लोबल बुक. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके मैम, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये भी है, जैसे आपने बताया आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, देन आपने मुंबई में मिस सोनिया दीवान दुबे के साथ वो किया, सीखा, देन आप यूके गई. ओके, सो इस जर्नी के बीच में काफी स्ट्रगल्स भी आपने फेस किए होंगे आफ्टर ऑल, क्योंकि आप जहां से बता रहे हैं वो काफी स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है वर्किंग में. कई लोग वहीं पे ही टूट के रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ने का रखते हैं. सो वहां से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? आपने बताया कि सीईओ से आप मिलती थी, लोगों से मिलती थी, वो इंस्पायर किया, बट कई बार लोग इंस्पायर होने के बाद भी एक्शन नहीं ले पाते, तो इस पे आपकी क्या व्यूज है मैम? Absolutely. तो यहाँ मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि challenges have to be faced. आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो अपने को गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो चीज पे मैंने बहुत ही फोकस किया कि मेरे गोल्स क्या है. मैंने मेरे डेली के गोल्स को ब्रेक डाउन किया है. फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड माई इमेज मैनेजमेंट कोर्स विद मिस सोनिया दुबे, मैंने हर दिन के मेरे गोल्स बनाए थे, मैंने हर दिन के मेरे टारगेट्स बनाए थे. और ये टारगेट्स अलोंग विद टाइम मैनेजमेंट के रात को शाम को 8 o'clock के पहले ये मुझे अचीव करना ही करना है, वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैलेंजेस बहुत सारी आती है, जैसे रोड टू सक्सेस इज वेरी वेरी रॉकी, वी ऑल नो दैट, बट वी हैव टू मूव आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन. मैं बोलेंगी मैं खटिया पे बैठ के सोने वाली हूँ और मुझे बैंक बैलेंस भर के चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, वो नहीं होना चाहिए.
मुझे वो हद तक मेहनत करनी है जहां भगवान भी बोल दे ले ले बेटा तेरा ही हक है। तो ये मुझे बोलना चाह रहा है आपके व्यूअर्स को कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर गोल्स इन 2022। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। नंबर टू, कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं मिलने वाला है। वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स टुवर्ड सक्सेस। देयर आर गोइंग टू बी ब्लॉक्स इन लाइफ। फेलियर पे फेलियर पे फेलियर आने वाला है। फॉर माई ओन वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड एटलीस्ट 5 times। 5 times कुछ ना कुछ लोडिंग इशूज, कुछ ना कुछ कॉन्टेंट इशूज, कुछ ना कुछ ब्लॉग इशूज, बहुत सारी कठिनाई थी। लेकिन दोज फेलियर्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर लर्निंग एक्सपीरियंसिस विच यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। तो आप फेलियर्स को प्लीज देखो एक दूसरे तौर से, एक दूसरे आंखों से आपके, और उनको आपके एक लर्नर बना दो, लर्निंग जर्नी बना दीजिए। और प्लीज फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने जो आपके गोल्स को सेट किया है वो डे पे आपका होना ही होना जरूरी है। दैट गोल, दैट टारगेट, दैट वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन दैट डे। सो दीज आर द 3 things आई वुड लाइक टू शेयर, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बींग और अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। That's really great, ma'am. Now I like to know, जैसे कि अभी आप इमेज कंसल्टेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में tier 1 tier 2 सिटीज में तो लोग मोस्टली लोग जानते हैं what is that, but उस सिटीज tier 1 tier 2 सिटीज में भी इतना नॉलेज लोगों को नहीं है कि इमेज कंसल्टेंट होते क्या है। तो मैम आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में, इमेज कंसल्टेंट का क्या वर्क होता है ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें तो शायद लोग और जान पाए और अवेयरनेस बढ़े लोगों की। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। तो इमेज कंसल्टेंसी बेसिकली एक बड़ा टर्म जो मशरूम किया है अभी इंडिया में, वो एक टर्म है। लेकिन इमेज स्टैंड्स फॉर हु यू आर, आप कौन हो, आपकी अपियरेंस क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल क्या है, एटिकेट क्या है और फिनेस क्या है। तो मैं इमेज को ABCDE में एक मैंने दे दिया है उनको एक्रोनिम ABCDE, जहां पैकेज कर रहा है tier 2 and tier 3 सिटीज में जो लोग हैं उनको अपनी इमेज के बारे में, अपियरेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने को रेडी होना है एक इंटरव्यू के लिए। हम लोग को बाहर सिटी में काम करना है, हम लोग को वर्क फ्रॉम होम करना है, एक अपना एक इमेज रहता है, अपना एक खूबसूरत अपियरेंस रहता है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक बॉडी लैंग्वेज अपनी तरीके तौर तरीके लोगों को दिखाता है कि कितना आदमी सीरियस है, कितना आदमी एजुकेटेड है, कितना आदमी, एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी एट द मोमेंट। इवन tier 2 and tier 3 सिटीज, आई वुड से देयर एटलीस्ट 30-40% पीपल हु आर नॉट इवन टेकिंग द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, दैट इज फाइन, बट बॉडी लैंग्वेज, बेसिक मैनर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, that is a winning factor in achieving success. तो मैं 100% urge करेंगी हर व्यक्ति को कि tier 2 और tier 3 cities में एक communication का course कीजिए, confident बढ़ाइए आपका, आपकी confidence आपका success है। तो ये C हो गया। और E, etiquette, just basic etiquette is fine. I am not saying कि founders, entrepreneurs, वो level, top management level पे मुझे etiquette चाहिए, मुझे etiquette चाहिए normal level पे जहां अपने का अपना एक इमेज बना रहे। और फिनेस तीसरा लास्ट पॉइंट है, एंड फिनेस इज जस्ट ऑल अबाउट यू, हाउ यू आर पैकेजिंग योर इमेज, हाउ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द राइट पैकेज। दैट्स रियली ग्रेट मैम। ओके, बट मैंने कई बार देखा है कि लोग ज्यादातर, मोस्टली व्हाट आई सी इज जनरेशंस जो आ रही हैं, जो ये या पहले के एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग इन थिंग्स इन आवरसेल्फ, दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। अब यहाँ पे एक सेगमेंट खड़ा होता है हमारे सामने जिसमें एक इमेज कंसल्टेंट ये बता सकता है कि क्या दोनों, बिजनेस में इन्वेस्ट करना इज वेरी गुड थिंग, खुद पे इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो वेरी गुड, बट खुद पे कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हम डेवलप हों। तो क्या ये आप थोड़ा सा गाइड करेंगे मैम इस विषय पे हम लोग? एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर द लवली क्वेश्चन। तो यंगस्टर्स जो अपने जो भी प्रोफेशनल्स है, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनको नंबर 1 सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना ही करना है।
Please invest in self-development, invest in communication skills, invest in confidence building, invest in courses which are upskilling you. Upskilling is very, very important. Formal education ho chuka hai. 10th pass, BA pass, 15th pass, that is normal. Uske aage kya? What is there for us? Aaj badi badi companies, jo apna to resume rahenga hi, wo apne ko bulane hi wale hain interview ke liye. Lekin wo ek USP aapke baare mein kya hai? What is the person's USP ke aapko hire karne ko aayenga? Why should people buy any products and services from XYZ? Ye important hai. So I would recommend, please invest in courses to upskill yourself. Please invest in self-development. Please invest in small, small courses which will help you in creating brand you. Great, ma'am. Now, I like to know some of your journeys, challenges. Okay, which you face after, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी वेबसाइट 5 times issue आया, but you face it. कई बार लोग होता है थोड़ा सा लेट, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, थोड़ी सी चीजें लेट हुई, थोड़ी सी चीजें डाइसी हुई, तो लोग उस चीज को छोड़ के दूसरी तरफ भागते हैं. तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज सही होती है या उसी चीज पे पेशेंसली कंटिन्यू करना सही होता है? व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? Absolutely. I would say patience is the key to success. Failures aane wale hai. The road to success is tricky. The road to success has got a lot of obstacles. Wo obstacle nahi hai. Humko dekhne ka tarika badalna hai. Wo obstacle, wo failure nahi hai. Wo ek apna learning experience hai. I faced multiple challenges in my growth journey. There were places where I pitched also. Many companies were pitched kiya hai, I'm a trainer, I'm a corporate trainer, Moody like my services. But I have received a lot of negativity. People are going to talk negative about you because you are on your journey to success. So let not negative talk affect your growth. Main recommend karengi ke everybody should focus on success if they want to be successful. You are what you believe you want to be. You are the product of your own mindset. So I would definitely urge every human being and every entrepreneur, every founder, every professional to focus only on themselves, focus on success, and accept every failure as a learning opportunity. That's really great, Pastor Shyam. Now, I have a second last question to you. Okay. Sure. By आपका आज हमने देख लिया, आपने अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताई, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर चाइल्डहुड. आपका चाइल्डहुड कौन सा था? बिकॉज इट्स योर इंटरव्यू एंड एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू नो कि एक जगह से निकल के आप एक लेवल तक पहुंचे, आप यूके तक गए, आज आप इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को हैंडल कर रहे हो, आपका कैलेंडर बिजी रहता है, वेरी फ्रैंक जो मैंने भी देखा, और आप काफी आपने अभी बताया कि आप टारगेट अचीव करते हो डेली के डेली, दैट्स रियली गुड. सो आई वांट टू नो कि आपकी अर्लियर लाइफ कैसी रही, आप एजुकेशन आपने कैसे की, आपका कहां से यू आर बिलोंग्स फ्रॉम इट, इफ यू वांट टू शेयर प्लीज शेयर मैम. श्योर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. सो माय चाइल्डहुड हैपेंड इन मुंबई. आई वाज बोर्न इन अ वेरी स्मॉल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस माय फादर आल्सो फेस्ड, बिकॉज़ माय फादर लॉस्ट हिज डैड एट द एज ऑफ 21. तभी कुछ यू नो फिक्स बिजनेस नहीं था. उन्होंने से ही मैंने सीखा है. टुडे माय डैड इज माय इंस्पिरेशन दैट चैलेंजेस आर गोइंग टू कम. 21 इयर्स में जब उनकी फादर की डेथ हुई, एक भी बिजनेस नहीं था उनके हाथ में. उन्होंने टुडे ही हैज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेफ्री सिक्योर जॉनसन एंड जॉनसन पैन नॉर्थ इंडिया. तो ये उन्होंने अचीव किया है. मल्टीनेशनल फैक्ट्री एक डालना दिल्ली के यू नो इंडस्ट्रियल सेक्टर भिवाड़ी में. It's not easy. और मैंने उनका struggle देख चुकी हूँ. तो that's exactly my childhood started off in Mumbai. I was very, very naughty. I do not know what people perceive me as of now, but people who know me since years will resonate. And my nickname was Naughty Nirali. So I was extremely naughty, very, very bold, accepted challenges all through my lifetime. But जब मैंने मेरा dad का struggle देखा 14 साल में, that entrepreneurship you know seed started flowing in me. मैंने 14 साल में जब I was just entering college at the age of 15, I was seeing my dad's challenges, seeing that the money was a crunch in the house. I had twin brothers after me who were 8 years apart from me. तो पैसे एक चीज थी जो चाहिए था एक normal life जीने के लिए.
तब मैंने सोचा कि मैं मेरे फादर के ऊपर बर्डन क्यों हो जाऊं. व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, टू जय हिंद कॉलेज, दैट्स माय कॉलेज इन चर्चगेट, आई ऑफ कोर्स थॉट कि मैं कुछ सेल कर सकती हूं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ व्हिच वाज यू नो अ टर्नर, अ लाइफ चेंजर इन माय लाइफ, जो मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया है मुझे. आई वाज स्टार्टेड सेलिंग बिंदीज, जो लड़की लोग बिंदी लगाते हैं वो मैंने बेचना शुरू किया ट्रेन में. मैंने ट्रेन में जो पुअर पीपल है जो सेल करते हैं उनसे मैंने एक चीज सीखा है, द आर्ट ऑफ सेलिंग, जो मैं आज एकदम कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकती हूँ कि आप हार्वर्ड जाओ कि आप ऑक्सफोर्ड जाओ सेल सीखने के लिए, जो ट्रेनिंग आपको लोकल ट्रेन मुंबई की देंगी वो कोई नहीं मिलेगा आपको. तो आई विल कम टू दैट, आई विल अटेंड दिस क्वेश्चन अगेन. तो मैंने वो बिंदी सेल करना शुरू किया फ्रॉम चर्चगेट टू विरार फास्ट लोकल में, और डेली का यूज टू 1,000 rupees, एंड दैट वाज वेरी यू नो सपोर्टिव ऑफ माय फैमिली बिकॉज आई कुड हेल्प सपोर्ट माय फैमिली. और उनके बाद मैंने थोड़े महीनों के बाद संतरे भी बेचे हैं, फिर मैंने मेहंदी का कोन भी बेचा है, एंड आई लर्न हाउ टू अप्लाई मेहंदी फॉर वुमेन ऑन द हैंड्स, जो हम लोग इंडियन हाथ पे टैटू लगाते हैं. तो मैंने मेहंदी का भी शुरू किया ट्रेन में कि कोई भी ब्राइड रहती है आजू बाजू जाती है काम पे, उनको मेहंदी लगाना होएगा तो मैं उनको डेफिनेटली मेहंदी लगा के देती थी. तो आई वाज यू नो मेहंदी सेलर, बिंदी सेलर इन द लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन में मैंने ये सब मेरा जर्नी शुरू किया. और उसके बाद मैं यू नो आर्ट ऑफ सेलिंग सीखी, एंड ऑफकोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज ऑफ 15 years old. बहुत कष्ट खाया है मैंने, 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, एंड टूडे आई एम 37. देर इज नॉट बीन वन डे विच आई एम नॉट वर्किंग, देर हैज बीन कंटिन्यूसली डेज, इवन संडे इज नॉट अ हैप्पी डे फॉर मी, इट इज अ वेरी हैप्पी डे बिकॉज आई एम वर्किंग, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट वर्किंग, बट आई एम नेवर रेस्टफुल. तो मैं ये एक और चीज बोलना चाहती हूँ मेरे आपके व्यूअर्स को कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रेस्टफुल नहीं होना है. आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ब्लड प्रेशर, बदन दर्द, बुखार, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब कुछ होना जरूरी है. जब तक आप अपने अंदर से वो जुनून नहीं डालेंगे कि मुझे सक्सेसफुल होना ही है, वो सक्सेस आपके आत्मे के सामने नहीं आने वाली है. तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको रेस्टफुल नहीं होना है. Yes, really nice, ma'am. And I really very also inspired from your journey, and I really like to salute you for that, because you really done a very great job from that place to here. That's really great. And I really request to everybody who is watching this video that see the person's journey. इन्होंने जो भी बात बोली वो एकदम सही है. If we want to work, then we have to work. It's happened to everyone. Absolutely. Doesn't matter what's your age, where you are, you can just start your journey by today and you get the place where you want to be. So ma'am, 100%. The last question, because I know you are very packed schedule, so today's last question is, ma'am, what's your aim, what's your target to achieve in this entire profession, and the message you want to give to the persons who are willing to do the business in future? Absolutely. Thank you for your last question. जो यहाँ से मेरा aim शुरू हो रहा है वो एक brand India create करना through the pages of my book. That's my first aim. Second aim is I'm on a mission of creating 100 world leaders across India. That's my second aim. And I would definitely want to give the message to all Indians that please join hands in creating Brand India. We can definitely become the superpower in the next 3 years. And to become successful in your life, please focus on your goals. Goals ko please break down kijiye, paper pe likh dijiye. Daily goals ko thode thode achieve karna shuru kar dijiye. Aur aapka ek long term plan hona chahiye. To wo please ek shuru kijiye. Aapko ek coach ki zarurat rahegi. To please do not feel ki main coach ke paas kyun jaau. It's very important. Goal setting ke coaches hai available India mein. They are also image consultants who are professionalized and studied goal setting. So inki services ko please lijiye. And please break down your goals. Please focus on your goals. Adhere to your goals.
take time management into consideration and be your own cheerleader until success knocks at your door. That's really great message, ma'am. And I really hope ki log ise dekh ke samjhenge aur is cheez pe zarur focus karenge. Aur आगे आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि आज बोला जाता है, कई लोगों ने कई बार बोला भी है कि हमारा देश क्लर्कों का देश है. मुझे पर्सनली ये बात काफी बुरी लगती है. आपको आप इट्स नॉट बाय इंटरव्यू बट आई लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू आल्सो दैट मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं की. फ्रॉम व्हेन आई एम इन अ नाइंथ क्लास, जब मैं स्टडीज कर रहा था, मैंने अपने फादर के साथ एक मेडिसिन कंपनी फॉर्म की एंड मैंने उसको हेड करना शुरू किया. आफ्टर दैट टिल आई एम 25 ईयर्स ओल्ड नाउ, आज तक मैं बिजनेस में ही हूँ. और मैंने इस समय अराउंड 5 to 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडर हमारी कंपनी की कर ली है. नाउ वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग मोर. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इसे क्लर्कों का देश मत बनाइए. हमारे पास टैलेंट है, चीजें हैं, हुनर है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं. निराली जी भी एक उनमें से एक हैं जो हमें आगे सिखा सकती हैं, चीजें बता सकती हैं. सो आई विश कि अगर किसी का एम ऐसा है सो वो फोकस करे और उस चीज के लिए मेहनत करे. सो निराली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आई. और मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे ही हमारे साथ बनी रहें आगे भी और आप बिल्कुल वो एम अचीव करें जो आप करना चाहते हैं. मैम विश यू थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द एडीजी न्यूज़. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. Thank you. Namaste. Namaste. Jai Hind. Jai Hind.